सीतामढ़ी जिले में क्या है लॉकडाउन का असर, लोग कितने सजग और सावधान है कोरोना वायरस को लेकर। नमस्कार, पेश है वी न्यूज 24 के लिए बिहार के सीतामढ़ी से कैमरामैन पवन साह के साथ संवाददाता असफाक खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील किया कि वो अपने अपने घरों में रहे, जरूरी हो तभी घर से बाहर जाए। इस महामारी के वजह से भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों जैसे चीन, इटली, स्पेन, लंदन आदि में पूरी तरह लॉकडाउन की स्थिति है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में संक्रमितों की संख्या 956 हो गई। नेपाल में मंगलवार सुबह से 7 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और बांग्लादेश ने गुरुवार से 4 अप्रैल तक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इसी सब को देखते हुए सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने जिले में लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करने का निर्देश गठित 7 कोषांगों के अधिकारियों को दिया। लॉकडाउन कोषांग के वरीय पदाधिकारी एसपी अनिल कुमार ने कहा कि पूरी सख्ती के साथ लॉकडाउन किया जा रहा है, लगभग 1,00,000 से अधिक जुर्माने की राशि वसूली गई है, वहीं कुछ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। आइए देखते हैं सीतामढ़ी जिले के लोग कितने सजग और सतर्क कोरोना वायरस को लेकर। देखें हमारे संवाददाता असफाक खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कि हम यहाँ किरण कॉफी वीर कुंवर सिंह चौक पे खड़े हैं। ये सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी का बीरपुर वीर कुंवर सिंह चौक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस जो है, महामारी जो है, कोरोना वायरस जो चल रही है, जो लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन का पालन यहाँ लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी पुलिस ने आगाह किया, पुलिस ने समझा रही है कि लॉकडाउन को समझिए और इसको मानिए। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे प्रशासन है, प्रशासन भी पब्लिक जो है ना मुस्तैद है, यहाँ मुस्तैदी से यहाँ काम कर रही है और प्रशासन भी लोगों को समझा रही है। फिर भी मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। प्रशासन अपनी काम में एकदम चुस्त दुरुस्त है, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लॉकडाउन का जो है ना लोग पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए लोगों को आगाह किया कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रशासन भी पूरी सीतामढ़ी में मुस्तैद रह के अपनी काम को कर रही है, एकदम बजाते अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं अशफाक खान, वी न्यूज़ सीतामढ़ी।